हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फारूक फर्स्ट व्लॉग में। तो गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:15 और अभी आए हुए थे खेत में थोड़ा सा देखने के लिए मूंग का क्या स्थिति है। तो एक बार तो तोड़ चुके हैं, लग रहा है दूसरी बार नहीं टूटेगा क्योंकि इस बार मूंग अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा घन छिटा गया था, इसके लिए वजह से नहीं हो पाया। आपको दिखाते हैं, इस पर मूंग थोड़ा ज़्यादा घन छिटा गया, जहाँ छिटना चाहिए था 250 मूंग वहाँ छिट दिए हैं 0.5 किलो। अब इतना ना घन हो गया कि जिस वजह से हो ही नहीं रहा इस बार। तो पिछली बार तो हुआ था लेकिन इस बार लगता नहीं हो पाएगा। और ये है अभी भिंडी का स्थिति, पानी पड़ रहा लेकिन उजिया नहीं रहा, तो थोड़ा सा इसमें खाद पानी भी डालना पड़ेगा। ये आज निकला है इतना भिंडी निकला। ये है मरचा का स्थिति, सब मरचा का झाड़ होता है, यहाँ मरचा का पेड़ है। टमाटर तो सूख गया अभी, टमाटर सूख गया है, जो टमाटर पक गया था बगल में फेंक दिए थे वहाँ से एक नया झाड़ निकल गया है। और मकई जो है वो तो सूख रहा है, तो भुट्टा के लिए यानी ये मकई सब सूख रहा है। ये निकला है भुट्टा, ओढ़ा के लिए रोपा गया था तो खा लिए हैं ओढ़ा। तो अभी खेती का यही स्थिति है, अब चलेंगे घर पे क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, उनको ड्राइंग सिखाना है। अनिश क्या बन रहा है? हाउस। चलो ठीक है, देखो अच्छा रंग बाहर नहीं निकलता है, खर ऐसे वो निकल जाएगा, छत में से खर निकल जाता है। वाह, जहाँ तक चिन्ह है उसी के भीतर ही कलर भरा जाता है, इससे बाहर नहीं भरा जाता है। जो चिन्ह है ना इससे बाहर नहीं जाना चाहिए कलर, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा दिखेगा। और एक तरफ से कलर करना है, अगर ऐसे कलर करो तो ऐसे कीजिए, नहीं तो ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कलर कीजिए, एक ही तरफ से। अगर इस तरह से कलर कर रहे हैं ऐसे करके तो इधर से ही कीजिए, ठीक है ना? एक ही तरफ से कलर कीजिएगा, दोनों तरफ से नहीं करना है। तो गाइस, जब तक बच्चे अपना घर बना रहे हैं तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराना वाला जो घर है वो खपड़ा का है लेकिन अभी बहुत जगह से वो खपड़ा सब हट गया है, तो चूते रहता है, वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब इस पर खपड़ा को हटा कर करकट का लगा दे रहे हैं ताकि रहने लायक हो जाए, क्योंकि बरसात के समय बहुत परेशानी होता था। तो गाइस, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।